बाकी रही भाई बात की इसकी शादी की, भाई ठीक है शादी पे मैंने कहा था मैं आऊंगा, ये मेरी गलती है, ठीक है आप लोग अपनी खुशी से शादी करो, कोई कोई नहीं है कि आप लोग डर के शादी, मुझसे इतना ही डर है, क्योंकि यही बात थी ना कि अगर मैं शादी पे आता खराब हूँ, मैं तो इसीलिए कह रहा था भाई ठीक है हम लोग शादी पे आते हैं, बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल नहीं भाई मैं अपनी वाइफ के बारे में ही सफाई दे रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि ये के ऊपर कि आपकी वाइफ ऐसी है वैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह के कहता हूँ, ठीक है ना, कि मुझे हो सकता है मेरी वाइफ से अच्छी, अगर मेरी कहीं और पे किसी भी जगह में शादी होती, मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ से बेहतर मुझे कोई मिल, उसका उसके ये जो जितना चाहते हैं ये चीजें करना चाहते हैं, भाई ठीक है आप लोग जो, मेरी वाइफ मेरी कुछ लेके आई थी यूट्यूब पे, उसके पास कोई वीडियो कोई वॉइस थी कुछ ना, कि इतने दिनों से मुझे वो बोल रहे हैं कि हाँ तुम माफी मांगो नहीं तो हम तुम्हारी बीवी का बेटियों का सबका किरदार खराब कर देंगे, तुम और तुम्हारी बीवी आके माफी मांगो वीडियो बनाओ कि हाँ हम लोगों से गलती हुई, हम लोगों ने जान बूझ के सितारा के बारे में ऐसी ऐसी, किसी के बाप से भी मैं नहीं डरता हूँ, बिल्कुल बाकी मेरी वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, तो 20 साल में कुछ तो आखिर शौहर को पता चलता है जो हस्बैंड वाइफ करता है, तो 20 साल मैंने उसके साथ गुजारे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उससे माफी नहीं मांगता, यार मैं इन उसको छोड़ लोगों को देता, मैं दफाई कहता ठीक देनी है है क्या, वो क्या जब करते ये हैं कि गलत देखो है तो जो मैंने इंसान गलती की तो ये ऐसी जैसा ये होता है चीज ना यूट्यूब पे दूसरे को लेके वैसा आऊंगा, मानता है, इनको तो मैं सफाई इस वजह देना से मैं इनको उसको जरूर है, छोड़ चलिए सकता था लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा। ये जितनी ना भी चल रही है ना ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनका एक प्लान है कि हम लोग इसकी बीवी को बेटियों को गंदा करेंगे, ठीक है ये मुझे गंदा करेंगे, मजबूर जाहिर कर सी रहे हैं बात कि है आप इनको, आप तुम और यकीन तुम्हारी करके तो बीवी आके करेंगे, मिल के वीडियो बनाओ कि हमसे गलती हुई है नहीं तो हम तुम्हारी बीवी। भाई जब मैंने इनको चैलेंज किया था पिछली दो जो लास्ट लाइव किया मैंने सलमान के चैनल पे, मैंने इन दोनों इन सबको चैनल चैलेंज किया है कि आप लोग सच ठीक है ना आप लोग सच्चे हो तो जाओ जाके केस करो, क्यों नहीं मरते ये लोग केस क्यों नहीं करते हैं? मैं मुजरिम हूं ना इन लोगों का, तो मुझे शादी जाने क्यों नहीं दिया गया, क्यों इन्होंने शादी फिर अर्जेंट करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, क्यों ये लोग भाग भाग के भी पंजाब जा रहे हैं, क्यों किस लिए? उधर से वो डीडी चला गया है, रुबीना वाले ये सारे भी जा रहे हैं, उधर से वो इस्लामाबाद से आ गए, क्यों? प्रूफ तो लेके आओ, कोई चैट दिखा, देखो इतनी चैट नहीं बोल, वो तो तुम लोग मानते नहीं हो, और ऐसे ही तो अगर आप लोग ऑप्शन दिया मेरी बीवी पे कोई भी इल्जाम लगाया ठीक है ना, तो मैं आप लीगल एक्शन लूंगा आप सबके ऊपर, क्योंकि आप सब में तो इतना दम नहीं है कि आप सिर्फ आके मुझे धमका सकते हैं पे आके भी मांगो नहीं तो हम लोग ये बिल्कुल, करें हमारे बच्चों पे, मैं तो भाई कहता हूँ भाई, मैं ऐसे तो कब में से दम कह है रहा हूँ, मैं लो कहूंगा अगले नहीं को लूंगा। लास्ट वार्निंग है, जरा अभी कुछ करें ना, आप लीगल एक्शन लो, मैं ठीक है आप सबसे अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के बाद आप लोगों ने अगर कोई जरूरत है ना, कोई भी अगर मुझसे गलती होती है मेरी बीवी पे होती है, तो उस गलती का आप पहले प्रूफ लें कि असगर ने ये गलती किया या उसकी बीवी ने किया, क्योंकि हाँ फिर मैं कहूंगा ना आपको हक नहीं है तो आप कहेंगे आपकी बीवी का चैनल है हम तो रिएक्शन देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपने अपनी बीवी को मैं खुद जानता हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हारी हरकतें होंगी, ये तुम लोग जाके करती होगी वहां पे ट्यूबवेल पे जो जाके ऐसे बकवासें कर। तो रही मैं बात कुछ बाकी बोलूंगा तो मैं अलहमदुल्ला बोलूंगा, ऐसा आप कुछ भी बोलेगा तो नहीं है, आपके अगर अपने कोई आपको ऐसा गुस्सा लग ऐसा जाएगा, भी आप कुछ लग आप जाएगा लोगों ने आपको, रिएक्शन दिया उल्टा सीधा मैं आपको आके रोक के जा रहा हूँ, रिएक्शन देते हैं तो मेरा फिर उसके बाद में कुछ नहीं होगा, मैंने सीधा यही लीगल एक्शन लिया, मुझे मुझे जो है ना पता है ये जो स्पोर्टर है ना ये इंसान इंसानों वाली बात इनको समझ में नहीं आती है, मैं अगर चुप करके बैठा हूँ इसमें तुम लोगों को वो मेरी चुप बर्दाश्त नहीं होती है, तुम लोग असल में चाहते हो कि वो पूरी दुनिया के सामने गंदी हो।